नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश का फंदा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम टाइम बताने के लिए यूज किए जाने वाले इंग्लिश सेंटेंसेस के बारे में सीखेंगे। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें, टाइम बताने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है उसके बारे में बातें करते हैं। दोस्तों, एग्जैक्ट आवर के लिए हम ओ क्लॉक का यूज करते हैं। जैसे हमें अभी कहना हो अभी 2 बजे हैं तो हम कहेंगे इट्स 2 o'clock। जैसे कहते हैं मेरे पापा जी 10 बजे दफ्तर जाते हैं, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे माई फादर गोज टू ऑफिस एट 10 o'clock। जैसे कहना हो मैं 2 बजे आऊंगा तो इसे हम कहेंगे आई विल कम एट 2 o'clock। यानी एग्जैक्ट आवर के लिए 2 बजे, 4 बजे, 5 बजे तो हम ओ क्लॉक वर्ड का यूज करेंगे। इसके अलावा प्यारे दोस्तों, हम AM और PM का भी यूज करते हैं। AM का मतलब होता है दोस्तों एंटी मेरिडियम, यानी दोपहर के पहले के समय के लिए हम AM का यूज करते हैं। यानी रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 12 बजे तक AM का यूज किया जाता है। अब बात आती है PM की। PM की फुल फॉर्म होती है पोस्ट मेरिडियम। पोस्ट मेरिडियम को दोपहर के बाद के समय के लिए यूज किया जाता है, यानी दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक PM यानी पोस्ट मेरिडियम का यूज किया जाता है। एक बात विशेष ध्यान रखने योग्य ये है कि बोलते समय हम AM और PM का यूज नहीं करते। जैसे हमें अगर कहना हो 8 AM तो 8 AM बोलने की बजाय हम कहेंगे 8 o'clock। दोस्तों, ये तो थी बात एग्जैक्ट आवर की, यानी कंप्लीट आवर की, कंप्लीट घंटे की। अब बात आती है हमारे पास पौने, सवा, साढ़े भी टाइम के एक पार्ट हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम पौने को इंग्लिश में क्या कहें और साढ़े को क्या कहें, सवा को क्या कहें। तो याद रखिए प्यारे दोस्तों, पौने शब्द के लिए प्यारे दोस्तों अ क्वार्टर टू का प्रयोग किया जाता है और सवा के लिए क्वार्टर पास्ट का यूज किया जाता है, साढ़े के लिए हाफ पास्ट का यूज किया जाता है। जैसे अगर हमें कहना हो 9:45 तो हम कहेंगे अ क्वार्टर टू 10। अगर हमें कहना हो 2:15 तो कहेंगे अ क्वार्टर टू 2। अब आती है सवा की बारी। अगर कहना हो 10:15 तो हम कहेंगे अ क्वार्टर पास्ट 10। 3:15 कहना हो तो कहेंगे अ क्वार्टर पास्ट 3। अब बात आती है साढ़े की। मान लीजिए 8:30 कहने हैं तो हम कहेंगे हाफ पास्ट 8। अगर 5:30 कहना है तो हम कहेंगे हाफ पास्ट 5। अब दोस्तों, अगर हमें ये कहना हो कि इतने बज गए हैं तो बजकर शब्द के लिए हम पास्ट शब्द का यूज करते हैं। या फिर हमें ये कहना हो बजने में, यानी इतने बजने में इतने मिनट की देरी है तो हम टू शब्द का यूज करेंगे। जैसे हमें कहना हो 10:02 तो इसे इंग्लिश में कहेंगे 2:10, यानी 2 मिनट बीत गए हैं 10:00। जैसे हमें कहना हो 4:10 तो हम कहेंगे 10:04, 10:04। आगे जैसे हमें कहना हो 2:25 हो चुके हैं तो इसे कहेंगे 25:02, 25:02। 1:05 इसे इंग्लिश में कहेंगे 5:01, 5:01। 8:20 इंग्लिश में कहेंगे 20:08, 20:08। 7:07 इसे हम कहेंगे 7:03, 7:03। चलिए दोस्तों, अब हम कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमें टाइम बताने में कोई दिक्कत ना हो।
अक्सर हम किसी से पूछते हैं, क्या आप मुझे समय बता सकते हो? इसे इंग्लिश में कहेंगे, कैन यू टेल मी द टाइम प्लीज, कैन यू टेल मी द टाइम प्लीज। अगला सेंटेंस जो हम अक्सर पूछते हैं, आपकी घड़ी में क्या बजा है? इसे इंग्लिश में कहेंगे, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। अक्सर पूछते हैं ये वाला सेंटेंस भी, अभी क्या बजा है? इस इंग्लिश में कहेंगे, व्हाट इज द टाइम नाउ, व्हाट इज द टाइम नाउ। हम अक्सर कह देते हैं कि मेरी घड़ी पीछे है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे, माय वॉच इज स्लो, माय वॉच इज स्लो। अगर हम ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारी घड़ी आगे है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे, योर वॉच इज फास्ट, योर वॉच इज फास्ट। अगला सेंटेंस जो अक्सर हम पूछते हैं, क्या तुम मुझे अपना कुछ समय दे सकते हो? तो इसे इंग्लिश में कहेंगे, कैन यू स्पेयर सम टाइम फॉर मी, कैन यू स्पेयर सम टाइम फॉर मी। अगला सेंटेंस जो हम अक्सर बोलते हैं, अभी 5:15 बजे हैं, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे, इट्स क्वार्टर पास्ट 5 नाउ, इट्स क्वार्टर पास्ट 5 नाउ। अगला सेंटेंस है दोस्तों, मुझे 2 घंटे की देरी हो गई, इसे इंग्लिश में कहेंगे, आई एम लेट बाई 2 आवर्स, आई एम लेट बाई 2 आवर्स। अगला सेंटेंस है दोस्तों, वह रोज सुबह 8:30 बजे तक उठ जाती है, इसे इंग्लिश में कहेंगे, शी वेक्स अप एवरी मॉर्निंग बाय 8:30, शी वेक्स अप एवरी मॉर्निंग बाय 8:30। अगला सेंटेंस है दोस्तों, वो तकरीबन 8 बजे घर से चला जाता है, इसे इंग्लिश में कहेंगे, ही लीव्स होम अराउंड 8 o'clock, he leaves home around 8 o'clock। अभी 6:45 हैं, it's quarter to six, it's quarter to six। अगला सेंटेंस है दोस्तों, क्या उसकी घड़ी 10 मिनट आगे हो जाती है? इसे इंग्लिश में कहेंगे, does his watch gain 10 minutes, does his watch gain 10 minutes। नेक्स्ट सेंटेंस इज, उसकी घड़ी 5 मिनट पीछे हो जाती है, इसे इंग्लिश में कहेंगे, his watch loses 5 minutes, his watch loses 5 minutes। क्या वह 8 बजे के बाद आती है? इंग्लिश में कहेंगे, does she come after 8 o'clock, does she come after 8 o'clock। अभी 7:45 हैं, it's quarter to eight, it's quarter to eight। क्या तुम्हारी घड़ी खराब है? इंग्लिश में कहेंगे, is your watch out of order, is your watch out of order। तुम 2 बजने से थोड़ा पहले आ जाना, इंग्लिश में कहेंगे, you come a little before 2 o'clock, you come a little before 2 o'clock। क्या तुम 1 बजे तक घर पहुंच जाते हो? Do you reach home by 1 o'clock? Do you reach home by 1 o'clock? तुम अपनी घड़ी 20 मिनट आगे क्यों नहीं कर लेते हो? इंग्लिश में कहेंगे, Why don't you put on your watch by 20 minutes? Why don't you put on your watch by 20 minutes? मुझे अपनी घड़ी 5 मिनट पीछे करनी पड़ेगी, इंग्लिश में कहेंगे, I have to put back my watch by 5 minutes, I have to put back my watch by 5 minutes। put back का मतलब होता है पीछे करना। मेरी घड़ी में 7 बजे हैं, it is 7 o'clock by my watch, it is 7 o'clock by my watch। अब 8 बजे हैं, it is 8 now, it is 8 now। 3:30 बजे हैं, it is 3:30, it is 3:30। 2:30 बजे हैं, it is 2:30, it is 2:30। 4:15 बजे हैं, it is 4:15, it is
पास्ट फोर। सवा बजा है, इसे इंग्लिश में कहेंगे इट इज अ क्वार्टर पास्ट वन, इट इज अ क्वार्टर पास्ट वन। पौने पांच बजे हैं, इट इज अ क्वार्टर टू फाइव, इट इज अ क्वार्टर टू फाइव। पौना बजा है, इट इज अ क्वार्टर टू वन, इट इज अ क्वार्टर टू वन। नौ बजने में दस मिनट हैं, इट इज टेन मिनट्स टू नाइन, इट इज टेन मिनट्स टू नाइन। आठ बजकर पच्चीस मिनट हुए हैं, इट इज ट्वेंटी फाइव मिनट्स पास्ट एट, इट इज ट्वेंटी फाइव मिनट्स पास्ट एट। दस तो कब के बज गए, इट इज पास्ट टेन, इट इज पास्ट टेन। अभी बारह नहीं बजे हैं, Noon has not struck as yet. Noon has not struck as yet. यह घड़ी प्रतिदिन 10 मिनट आगे हो जाती है. This watch gains 10 minutes daily. This watch gains 10 minutes daily. मेरी घड़ी ठीक समय देती है. My watch keeps correct time. My watch keeps correct time.